जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं लेकर आ चुका हूँ एक डिटेल वीडियो इस ब्लाउडफंक के ओवर द ईयर हेडफोन के बारे में, जो कि मैंने अनबॉक्स किए थे तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते पहले। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए इस आई बटन में और जाके देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लुक्स की, तो दिखने में ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कानों पे रख के हम अगर देखें तो भी काफ़ी अच्छे हेडफोन्स ये लग रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको हेडफोन्स दिखेंगे और हेडरेस्ट के ऊपर दिया गया है कंपनी का ब्रांडिंग, जो कि है ब्लाउडफंक। ओवरऑल हेडफोन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हेडफोन आपको मिल जाएंगे फुल्ली ब्लैक मैट फिनिश में, और जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। हेडफोन्स के ईयर कप की बात करें तो ईयर कप के अंदर की तरफ आपको दिख जाएंगे दोनों तरफ के मार्किंग, लेफ्ट और ये है राइट। और अगर हेडफोन्स कप के बाहर की साइड आप देखो तो आपको डिज़ाइन देखने मिलेगी एक सील जैसी, जो कि पूरा राउंड नहीं है, सील डिज़ाइन में आपको हेडफोन्स के कप आएंगे। और दोनों तरफ के जो ईयर कप्स के आप एक क्लिप्स है, क्लिप्स में आपको मिल जाएंगे कंपनी के ब्रांडिंग, जो कि इस तरफ भी है और आपको मिल जाएगा इस तरफ भी। और दोस्तों, आप अगर हेडफोन की जो क्लिप है वो फुली स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर भी आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग दिखेगी। अब बात करते हैं हेडफोन अगर हम कानों में पहने तो कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं। हेडफोन के ऊपर जो हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट पे दिया गया है फुल्ली सॉफ्ट कुशन। फुल्ली आपको जो हेडरेस्ट दिखेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सॉफ्ट कुशन में सील किया हुआ मिलेगा। और अगर मैं ईयर कप्स की बात करूँ तो ईयर कप्स पे जो कुशन यूज़ किए गए हैं वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है और अच्छी खासी बड़ी साइज में है और राउंड शेप में दिए गए हैं, ताकि आपके जो कान हैं वो अच्छी तरह से ईयर कुशन के अंदर की तरफ अच्छे से फिट हो जाए, ताकि आप अगर कानों पे जब पहनो तभी कंफर्टेबली आपके कानों पे फिट हो जाए। और आपके हेड के हिसाब से इस हेडफोन को आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये ईयर कप्स जो है वो ट्विस्ट या फिर टर्न नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एडजस्ट हो सकते हैं ऊपर नीचे और इतने बाहर और अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स के लिए जितने भी बटन्स दिए गए हैं सभी आपको मिल जाएंगे राइट ईयर कप के ऊपर, जो कि आपको मिलेंगे पीछे की तरफ। सबसे ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा वॉल्यूम प्लस का बटन, उसके नीचे आपको मिलेगा स्टार्टअप या फिर पॉज, फिर आएंगे वॉल्यूम माइनस और लास्ट में आपको दिखेगा एक इक्वलाइजर स्लैश वॉइस असिस्टेंट का बटन, जिसकी मदद से आप एक्सट्रीम बास मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आएगी एक होल जिसके अंदर है LED, जब आप उसे स्टार्टअप करोगे तभी वो LED फ्लैश होगी, या फिर आप चार्जिंग पे जब हेडफोन्स रखोगे तभी उसके अंदर एक LED फ्लैश करेगी। और उसके नीचे है एक ऑक्स कनेक्टर, फिर आपको एक एंड में मिल जाएगा एक होल जो कि है बिल्ट इन माइक का, ताकि आप जब भी कॉल करो तो आपको बिल्ट इन माइक की मदद से आप कॉल पर बात कर पाओ। बात करें हम अगर इसकी बैटरी बैकअप के बारे में, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप है इसका। इसमें यूज़ हुई है 450 मिली एम्पावर की बैटरी, जो काफ़ी देर तक चलेगी। ये मेरे घर पे डिलीवर हुआ था 13 अगस्त को, और उस दिन जब भी मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा था तभी मैंने इसकी बैटरी परसेंटेज देखी थी, वो थी 100%। तब से लेके आज तक मैं इसे डेली 3-4 आवर्स यूज़ करता हूँ, और मेरे डेली के यूज़ के हिसाब से इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और आज है डेट 20 अगस्त, आज की सुबह जब मैं ये हेडफोन्स यूज़ कर रहा था तभी इसकी बैटरी परसेंटेज लो होकर आई 30% पे, और 30% पे भी मैं जब भी यूज़ कर रहा था तभी उसके बाद हाफ एन आवर या आर के बाद इसमें से नोटिफिकेशन आई कि भैया अभी मुझे चार्ज करो, मुझे भी भूख लगी है, खाना चाहिए। और मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि ये हेडफोन्स जो है 30% पे नोटिफिकेशन दे रहा था कि इसे चार्जिंग करने की ज़रूरत है। अगर बात करें दूसरे हेडफोन्स की तो शायद वो 20% पे नोटिफिकेशन देते हैं कि भैया भी मुझे चार्ज करो, लेकिन 30% पे नोटिफिकेशन दे रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप भी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि आपको अगर इसकी चार्जिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर चार्जिंग ख़त्म भी हो गया तो क्या टेंशन भाई, ऑक्स केबल इंसर्ट करो और चालू रखो अपना म्यूज़िक। और अगर इस हेडफोन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो ये हेडफोन काफ़ी ड्यूरेबल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच भी होते हैं आपके हेड के हिसाब से अपने आप एडजस्ट होने के लिए। और दोस्तों, मुझे अनबॉक्सिंग के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी आई थी कि इसके ईयर कप्स के पास में जो वायर एक्सपोज है उसका क्या,
तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि वो वायर जो है वो काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छे मटेरियल के बने हुए हैं, ताकि आपके हेडफोन्स के वायर जो है वो क्रैक ना हो। और दोस्तों वो हेडफोन्स के बाहर जो वायर दिख रहे हैं वो थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्लासिक लुक आ रहा है उसकी वजह से। अब देखते हैं दोस्तों इसके कंट्रोल बटन कैसे काम करते हैं। तो कंट्रोल बटन के लिए सबसे पहले आपको करना होगा हेडफोन्स को ऑन, जो कि आप कर सकते हो प्ले बटन से। प्ले बटन को आप जैसे ही प्रेस करके 2 या 3 सेकंड तक आप होल्ड करोगे तो आपको हेडफोन जैक के पास एक एलईडी फ्लैश करती हुई दिखेगी। जैसे ही एलईडी फ्लैश करती हुई दिखेगी आपके हेडफोन्स के अंदर एक साउंड भी आएगा हेडफोन्स ऑन करके। फिर आप कर सकते हो अपने हेडफोन्स को फोन, पीसी या टैबलेट्स के साथ कनेक्ट। इसके कंट्रोल जो है काफ़ी ईजी है। वॉल्यूम प्लस बटन को अगर आप एक सिंगल क्लिक करोगे तो आपका वॉल्यूम अप होगा, और उसी को 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो आपका ट्रैक होगा फॉरवर्ड। उसी तरह वॉल्यूम माइनस बटन को भी एक बार क्लिक करने पर होगा वॉल्यूम माइनस, और प्रेस एंड होल्ड करने पर होगा ट्रैक बैकवर्ड। और सेंटर बटन की मदद से आप कर सकते हो कॉल को रिसीव, कॉल डिसकनेक्ट, और या फिर आप कर सकते हो सॉन्ग को प्ले और पॉज। और बात करें हम अगर लास्ट बटन की, जो कि एक राउंड शेप में दिया गया है दूसरे बटन से काफ़ी अलग, जिसकी मदद से आप एक्सट्रीम बाज मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम बाज मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको करना होगा वो बटन को प्रेस एंड होल्ड। प्रेस एंड होल्ड करने पर जब भी आपको वन टाइम बीप साउंड सुनाई दे तभी आपका एक्टिवेट होगा एक्सट्रीम बाज मोड। और अगर आप फिर से उसी बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपको सुनाई देगा 2 बार बीप। आपके हेडफोन्स हो चुके हैं कन्वर्ट नॉर्मल मोड पे। और दोस्तों हम बात करें अगर इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें यूज़ हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 5.0। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ वर्जन 5.0। इसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल डिवाइसेस। अगर आप यूज़ कर रहे हो 2 फोन तो आप दोनों फोन इस हेडफोन के साथ एक ही समय पर कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कॉल रिसीव करना हो तो आप दोनों फ़ोन पे साइमल्टेनियसली फ़ोन रिसीव भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना हो तो दोनों फ़ोन के साथ आप साइमल्टेनियसली म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हो। तो इसकी वजह से होगा ये दोस्तों कि अगर आप 2 फोन यूज़ कर रहे हो तो आपको हेडफोन स्विच करने की झंझट नहीं रहेगी, आप दोनों फ़ोन को एक साथ कनेक्ट करके आप इजीली अपना काम कर पाओ। चलिए दोस्तों, तो करते हैं अब चेक इसकी साउंड क्वालिटी। तो दोस्तों इसमें दिए गए हैं 2 मोड्स, पहला है नॉर्मल मोड और दूसरा है एक्स्ट्रा बास मोड। जैसे ही आप हेडफोन स्टार्ट करोगे तो हेडफोन्स होंगे स्टार्टअप नॉर्मल मोड पे। और दोस्तों नॉर्मल मोड पे भी इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, जो कि हम बोलते हैं लोज मीड्स और हाई, काफ़ी बढ़िया है। कुछ इस तरह का साउंड आपको सुनने मिलेगा नॉर्मल मोड में। और अगर आपको म्यूजिक के दीवाने, आपको चाहिए पंची बेस और लाउडनेस के साथ, तो आप कर सकते हो इसमें एक्स्ट्रा बास मोड भी ऑन। एक्स्ट्रा बास मोड में कुछ इस तरह से साउंड आपको सुनाई देगा। दोस्तों फोन के रिकॉर्डिंग से आपको इतना अंदाजा नहीं आएगा कि इसका नॉर्मल मोड कैसा साउंड करता है और एक्स्ट्रा बास मोड कैसा साउंड करता है। अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो नॉर्मल मोड है वो काफ़ी बेस वाला है, और अगर आप एक्स्ट्रा बास मोड जो ऑन करोगे तो आपको फुल बेस और फुल डीजे सिस्टम आपको सुनने मिलेगी। और साउंड के मामले तो दोस्तों पबजी मैंडेटरी हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पबजी में हेडफोन कैसे चलते हैं, साउंड लैग होता है या नहीं, साउंड की लेटेंसी कैसी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हेडफोन में अगर आप पबजी खेलोगे तो आपका एक्सपीरियंस अलग लेवल पे पहुँच जाएगा। आपका पबजी खेलने का एक्सपीरियंस जो है वो ये लेवल पे होगा, इस हेडफोन के बाद आपका ये लेवल पे पहुँच जाएगा। जैसा कि ये हेडफोन्स में वो है 5.0 ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी यूज़, और अगर आपके पास फोन भी होगा सेम 5.0 वर्जन वाला तो भैया साउंड लैग होने का तो कोई चांस ही नहीं बचता। जैसे ही आप करोगे पबजी ऑन और क्लिक करोगे फायर का बटन, उसी दौरान उसी टाइम इसी पे आप सुन पाओगे फायर का साउंड भी। अगर आप चाहें कि मुझे हेडफोन को यूज़ करना है एज अ वायर्ड, ब्लूटूथ के साथ यूज़ नहीं करना है,
या फिर अगर आपके हेडफोन्स की बैटरी हो गई हो ड्रेन, तो दोस्तों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एज अ वायर भी इस हेडफोन को यूज़ कर सकते हो ऑक्स केबल के थ्रू। हेडफोन्स को ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट करने पर आप म्यूजिक सुन सकते हो आप जितनी देर चाहो उतनी देर, बिना कोई टेंशन लिए कि हेडफोन्स की बैटरी ड्रेन हो जाएगी या फिर मुझे उसे चार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों हम अगर बात करें इसके वैल्यू फॉर मनी की, तो मैं इस हेडफोन्स को दूंगा 9.5 out of 10, और 9.5 इसलिए क्योंकि इसका जो ईयर कप है वो ट्विस्ट या फिर रोटेट नहीं होता, और इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो 30% पे आके नोटिफिकेशन देना शुरू करता है कि इसे चार्जिंग की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों इसमें कुछ भी खराबी नहीं है, बहुत बढ़िया हेडफोन है, आप भी ले सकते हैं, आप आँख बंद करके इस हेडफोन को ले सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस हेडफोन को लोगे तो खुश तो नहीं, खुश से भी बहुत ज़्यादा होंगे इस हेडफोन्स के साउंड सुन के। दोस्तों आगे बताए गए किसी भी टॉपिक में अगर आपको कुछ कहीं पे समझ ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे ये जगह पे कुछ समझ नहीं आया है, तो मैं जितना हो सकेगा उतना आपको रिप्लाई देके वो समझाने की कोशिश करूँगा। ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में ब्लू पंक ओवर द ईयर वायरलेस हेडफोन के बारे में। अब मैं लेना चाहूँगा आपसे अलविदा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब बटन पे तो भैया आप पूरा रगड़ ही डालो, जैसे कि मैंने ये हेडफोन्स को पूरा रगड़ के आपके सामने डिटेल में रिव्यू लाया हूँ, वैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को पूरा रगड़ दो और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करो।